गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग आदरणीय, आज हम अपने ही गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर आए हैं जिसका निर्माण आज से लगभग 10 साल पहले हुआ था। आज से लगभग 10 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मुझे आज तक इसमें कोई डॉक्टर बैठा हुआ या कोई नर्स बैठी हुई आज तक दिखाई नहीं दी। हो सकता है एक दो दिन बैठी हो, लेकिन एक दो दिन बैठने से सिर्फ ये नहीं हो जाता कि ये स्वास्थ्य केंद्र बड़ी ही सरलतापूर्वक चल रहा है। आइए गांव के ही कुछ लोगों से जो यहीं आसपास के रहने वाले हैं बात करते हैं कि क्या मुझे ही ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर या नर्स आज तक नहीं आई है या फिर मैं सच हूँ। आइए जानते हैं इन गाँव वालों से। जी बड़े मियाँ, क्या नाम है आपका? सिपेदार। जोर से बताओ। सिपेदार। सिपेदार, यो अस्पताल ये खुला है जी? बस कभी कदा काम है अपना नहीं रहे बंदे अन्य, फिर जैसे थारा मरीज बीमार हो जा कहाँ लेकर जाओ? थाने भवन जाओ या और कहीं जाओ। अच्छा, मतलब यहाँ कुछ नहीं? यहाँ कौन आवे, यहाँ ना तो कोई आ रहा और ना खुल रहा। तो आपने कभी इसकी दरखास्त वरखास्त नहीं दी? ना, हमने कुछ नहीं दिया इसका भाई। क्यों लगता नहीं तुम्हें कि मतलब इसमें डॉक्टर बैठने चाहिए? नहीं, हम क्या दो तो वे जो जिम्मेदार है गांव के वे उन्हें करना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो ठीक है नहीं क्या? हाँ ठीक है बड़े मियाँ, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। आइए बात करते हैं एक दूसरे भाई से। क्या नाम है आपका? छोटा अंकुर कुमार। अंकुर कुमार, हाँ जी। अच्छा, ये जो यहाँ छोटा हॉस्पिटल बना हुआ है, हाँ जी, आपके गाँव में, हाँ जी, आपने आज तक यहाँ आए डॉक्टर कोई? ना जी, हमने तो कभी कभार देखे, वैसे देखे ना कोई। कोई नहीं देखा? नहीं। अच्छा, मतलब देखा ही नहीं आप तक? नहीं जी। आइए बात करते हैं और अन्य जो साथी हैं, ये हमारे डॉक्टर आसिफ भाई, ये इस गांव की स्वास्थ्य जो समिति होती है उसके अध्यक्ष हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं, इनसे ही जायज़ा लेते हैं कि आखिर इस अस्पताल के हालात क्या हैं। सवाल ही नहीं पे। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आप इस गाँव की स्वास्थ्य सेवा समिति जो है या स्वास्थ्य समिति जो प्रधान की तरफ से बनाई जाती है उसके आप वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो जैसे कि गांव वाले यहां बता रहे हैं कि ये हॉस्पिटल या जो भी उप स्वास्थ्य केंद्र है ये यहां खुलता ही नहीं है या कभी कभी नर्स आ जाती है, तो आपने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए और आपने प्रयास के बाद उन प्रयासों पर अमल जो है वो प्रशासन की तरफ से कितना हुआ? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, निवासी यहीं से भैसा इस्लामपुर से ही। और अभी जैसे सवाल कर रहे थे कि आप जो है भैसानी से स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष भी है, अभी हमें अध्यक्ष बनो मात्र लगभग 2-3 माह हुए जी। लेकिन अब से पहले की स्थिति और अभी भी तक भी यही है कि जो ये उपकेंद्र है यहाँ, तो यहाँ जैसे महीने में जो सेशन होते हैं, जो टीकाकरण वगैरह होते हैं, वही मात्र एक दिन जो सेशन होता है महीने का, उसी दिन ये उपकेंद्र खुलता है। लेकिन जैसे कि हमारा गांव की मरदम शुमारी जो जनसंख्या है, लगभग फ़िलहाल अगर देखा जावे तो 30,000 के आसपास है। लेकिन हमने अपने कोर्स जो हमने BMS करा उसमें भी हमने यही पढ़ा, जो WHO की जो बाकायदे हमारे पास यूनिट है, चैप्टर है, उसमें लिखा कि 20,000 की जनसंख्या वाले गांवों में जो एक PHC होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए नहीं, नियम भी बना हुआ कानून भी है कि जिस गांव की जनसंख्या 20,000 होगी वहां PHC होगा। और PHC का मतलब है 5-10-15 बेडों का हॉस्पिटल, 24 घंटे वहां डॉक्टर तैयार, इमरजेंसी तैयार, और उसके साथ साथ डिलीवरी की भी सुविधा। अब बाजी इतने बड़े गांव में लगभग 5 से 10 से 15-20 डिलीवरी रोज़ डेली होती है, लेकिन उनको डिलीवरी की स्थिति में बाजी दफ़ा साधन नहीं मिल पाता, बाजी के पास फ़ोन की भी सुविधा नहीं है कि वो एम्बुलेंस की सुविधा ले सके, 7-8-10 किलोमीटर दूरी पे उसे थाने भवन CHC पे जाना पड़ता है डिलीवरी के लिए। यहाँ तक कि डिलीवरी कराने में अगर चला भी गए तो उसमें परेशानी आती है, मतलब रस्ते में। लेकिन अगर डिलीवरी की सुविधा इस भैसानी में PHC अगर हो जा तो इस गाँव को जो है स्वास्थ्य की जो है सेवाएँ जो है वो मिल सकती है, लेकिन अन्यथा फ़िलहाल नहीं है। फिलहाल तो ये उपकेंद्र है, बंद है, यहाँ नहीं कोई डॉक्टर है, नहीं बस सेशन होता है उस दिन खुलता है ये। लेकिन मेरी जो है, जब से हम स्वास्थ्य समिति का मैं अध्यक्ष बना, हमारी प्रयास भी है और कोशिश भी है, जो हमारे CHC के जो अधीक्षक है डॉक्टर पालीवाल जी, उनसे भी मुलाकात हुई थी, तो मुलाकात में उन्होंने बस यही एक दो बार तो यही कहा कि चलो देखेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन बस परसों भी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने आश्वासन दिया
कि ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी से जल्दी जो है भैसानी में डिलीवरी की सुविधा कराएंगे और पीएससी का प्रस्ताव ला के ग्राम प्रधान से या ग्राम समाज की मीटिंग लेके जमीन मुहैया करा के पीएससी का जल्दी से जल्दी इंतजाम कराएंगे भैसानी में। लेकिन वास्तविकता यह है कि भैसानी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ साथ हमारे गाँव भैसानी में लगभग 30,000 की आबादी में लगभग 30 आशाएँ चाहिए, लेकिन यहाँ भैसानी में कितनी आशाएँ? मात्र 5 आशा है। एक आशा के अंडर में लगभग 5,000 जनसंख्या कवर कर रही है। वो अच्छे से गाइड नहीं दे पाती, अच्छे से फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं समझा पाते। लगभग 20% फीमेल बीमार जो हो चुकी, वो डिलीवरी घर होने पे और नॉलेज ना होने की कमी के कारण ये सब कुछ हमको झेलना पड़ रहा। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, आज चलो आपने जो है भैसानी की आवाज़ उठाने की कोशिश करी, तो हमारी तो रिक्वेस्ट है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट शामली सीएमओ साहब से और हमारे सीएससी अधीक्षक पालीवाल जी से, थोड़ा सा भैसानी की तरफ भी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा हम आपको जो है ध्यान इधर चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम इसके बिल्कुल पड़ोसी, इस स्वास्थ्य केंद्र के जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना है इसके बिल्कुल पड़ोस में रहने वाले कुछ अन्य लोग, उनसे बात करते हैं कि क्या इस उप स्वास्थ्य केंद्र में आज तक डॉक्टर आए हैं कि नहीं। जी, क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ही सरार अली। बिल्डिंग तो बन चुकी लेकिन यहाँ अभी तक कोई डॉक्टर बैठता नहीं। हफ्ता में, महीने में, दो महीने में, चार महीने में भी कोई डॉक्टर नहीं बैठता। लेकिन बस खाली सी बिल्डिंग है, खाली पड़ी हुई है। इसके अब रख रखाव का तो काम शुरू भी हुआ। हमने पूछा था जो यहाँ पर लोग आए हुए थे, मगर भाई कभी डॉक्टर भी बैठ जाएंगे का यहाँ? उन्होंने हमें बताया था कि डॉक्टर आएंगे, लेकिन आज तक कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमसे बात करने के लिए। अभी आपने सभी ग्रामीणों को सुना, खासकर इस पीएससी या जो भी उप स्वास्थ्य केंद्र है इसके पड़ोस में रहने वाले, बहुत ही पड़ोस में रहने वाले लोगों को सुना। वो बता रहे हैं कि चार चार महीने, छः छः महीने हो जाते हैं लेकिन यहाँ डॉक्टर तो डॉक्टर कोई आता ही नहीं है। क्या मेरा जो प्रशासन है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, इधर हमारे आदरणीय योगी जी स्वास्थ्य को लेकर बहुत सचेत हैं, लेकिन आदरणीय यहाँ पर जो भी कर्मचारी है, क्या इस बात को लेकर वे गंभीर है कि भैसानी जिसकी पॉपुलेशन लगभग 30,000 है, क्या वहाँ से एक छोटा पीएससी नहीं होना चाहिए? अगर छोटा पीएससी नहीं बनता तो ये जो आपने उप स्वास्थ्य केंद्र बना रखा है इसमें डॉक्टर नहीं होने चाहिए? अगर हमारी जो बातें हैं आप तक पहुंच रही हैं, आपके दिल को छू रही हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।